जगह हर वक्त सबसे पहले। डोनाल्ड ट्रंप मिसिसिपी से भी पार्टी नामजदगी हासिल करने में कामयाब, मिशिगन से भी सदारती उम्मीदवार बनने की नामजदगी हासिल करने का इम्कान। शाम का सियासी हल, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूक्रेन का मसला रूस के बगैर का। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है उसकी रियासत टेक्सास के पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर हाशमी से। अक्सर हल्के ट्रंप को सदारती उम्मीदवार नहीं देखना चाहते, मगर ट्रंप ही दो रियासतों में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो ये किस कदर गैर मुतवक्के है? आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनेशन रिक्वायर्स द नंबर ऑफ डेलीगेट्स बिफोर यू गेट इलेक्टेड टू द और द नॉमिनेटेड फॉर प्रेसिडेंशियल रेस। डोनाल्ड ट्रंप के बाद आखिरी वक्त तक तकरीबन 390 के करीब डेलीगेट थे, टेड क्रूज के पास तकरीबन 310 थे और मार्को रूबियो के पास तकरीबन 150 थे। तो अभी नंबर ऑफ डेलीगेट जिसकी जरूरत होती है 1837 के करीब, तो अभी जरा अर्ली है कहना ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जैब बुश, अगर आप हिकमत अमली की बात करें तो जैब बुश को रिपब्लिकन्स का हकीकी उम्मीदवार तस्वीर किया जा रहा था, फिर मार्को रोबियो से उम्मीदें लगाई गई, मगर दोनों ही तकरीबन आउट हो गए हैं, तो क्या इस बार रिपब्लिकन्स की जो हिकमत अमली थी वो क्या ठीक नहीं थी? देखिए हिकमत अमली का तो बात ये है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आम आदमी क्या चाहता है, और आम आदमी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा पसंद करता है इसलिए क्योंकि सब लोग रेगुलर पॉलिटिशियन से थक चुके हैं और बेजार आ चुके हैं उनकी पॉलिटिक्स से, एंड ही प्रपोजेस अ चेंज एंड दैट इज व्हाई ही इज बीइंग लाइक्ड एंड दैट इज व्हाई ही इज सक्सीडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं क्या किसी नए उम्मीदवार का उभर कर सामने आने का कुछ तवक्कुआत है? देखिए रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर डेलीगेट सबके पास पूरे नहीं हुए तो फिर पार्टी के डेलीगेट के पास चॉइस होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर दें, जैसे जनरल आइजनहावर के वक्त में नॉमिनेट किया गया था उनको, इसलिए अगर पूरे नंबर ऑफ डेलीगेट नहीं होते तो ऐसा इवन वो आदमी जो कि इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ है प्राइमरीज में उस तक को नॉमिनेट किया जा सकता है। अब उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, जरा कम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मेरे ख्याल से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सक्सीड कर रहा है उस हिसाब से उसको नंबर ऑफ डेलीगेट्स मिल जाने चाहिए। अभी बड़ी स्टेट एक और जो बाकी है कैलिफोर्निया बाकी है जिसके पास तकरीबन 150 डेलीगेट होते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया ऑब्वियसली, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन एक अर्ली लेकिन जिस सीट पे डोनाल्ड ट्रंप को सक्सेस मिल रही है he should be able to get the number of delegates that he needs to be the presidential nominee for the Republican Party. Bahut bahut shukriya Dr. Arjumand Hashmi, Jio News ko apna waqt dene ke liye.